प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का ठेका जिन ठेकेदारों को दिया जाता है, क्या सरकार उनसे पूछती है कि मेंटेनेंस की कॉस्ट तो आपने ले ली, इन सड़कों को मेंटेन करके कौन रखेगा? ये जिस सड़क पर मैं इस समय हूँ, ये सड़क बीनू बस्ती से डुगली तक की है। सड़क की लेंथ 11 किलोमीटर है और 5 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट 26 लाख रुपए यहाँ के ठेकेदार, जिनका नाम पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, दलीप कोतवाल, ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये सड़क बनाने का भी ठेका लिया था और मेंटेन करने का भी ठेका लिया था। ये सड़क बन तो गई, लेकिन आप हालत इसकी देख सकते हैं। 24/11/2017 यानी कि 24 नवंबर 2017 को इस सड़क का काम शुरू हुआ, 24 नवंबर 2018 को ये सड़क बन गई, लेकिन 555 लाख रुपए खर्चने के बाद भी इस सड़क की हालत जो इस समय है वो आप देख सकते हैं। ये जो आप पैच यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको ठीक लग रहा होगा, आप पूछ रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन आगे जब आप इस सड़क पर चलेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि इस सड़क पर गाड़ी चलाने वाले का भी जिगरा है कि वो ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाता है। ये सड़क कोई आम सड़क नहीं है, ये वही सड़क है जो खलैनी टॉप की तरफ जाती है। और खलैनी टॉप के बारे में मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत मेहनत के साथ पार्क वहां पर बनवाया है, और वो जगह जब आप देखेंगे बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो बन सकती थी, लेकिन जिस तरीके से सरकारी विभागों ने इन सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया, आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितने मुश्किल के साथ यहाँ पर चल रही है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म विभाग ने खलैनी टॉप की ओर नज़र नहीं दौड़ाई, जिसकी वजह से वो आज टूरिस्ट स्पॉट तो है लेकिन पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मामला है इस सड़क का, लगभग 5.5 करोड़ रुपए PMGSY के तहत इस सड़क पर लगे हैं, 5 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ठेकेदार को दे दी गई है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि अभी 5 साल मुकम्मल नहीं हुए, अभी 3 ही साल हुए हैं और इस सड़क की बेहद खस्ता हालत है। क्या सड़क बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया गया था, या फिर मेंटेनेंस के नाम पर इस सड़क के ऊपर कोई काम नहीं किया गया? सिंगल लेन रोड है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस सड़क की आगे जितनी बुरी हालत है, गाड़ियाँ जब उस पर चढ़ने लगती हैं तो घबराते हैं ड्राइवर कि इस सड़क से कोई हादसा ना हो जाए। और साथ ही आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी अभी ऊपर से गई, दूसरी गाड़ी रुक गई, जब एक गाड़ी को पास करना है दूसरी गाड़ी को रुकना है, दूसरी गाड़ी को पास करना है तो पहली गाड़ी को रुकना है, और उस गाड़ी के पहिए तक आपको बता रहे होंगे कि सड़क पर कितना उबड़ खाबड़ रास्ता है और किस तरीके से गाड़ियाँ इस सड़क के ऊपर चलती हैं। अब आखिर में सवाल बस ये कि जवाबदेही कहाँ है, कौन पूछेगा इस ठेकेदार से कि इस सड़क के ऊपर ये मेंटेनेंस क्यों नहीं हुई, और कौन ये पता करेगा कि खलैनी टॉप में टूरिस्ट नहीं पहुंच रहे, क्या इस सड़क की वजह से नहीं पहुंच रहे?